video lecture, I am going to discuss a very important novel of Elsa Bilgaskiy. And this novel is very important for the aspirant of UGC NET in literature. Actually, all you know that Elsa Bilgaskiy is a Victorian novelist, and this is one of her best known novel. And this novel was published in 1854, and this novel was adapted thrice for television in 1966, 1975, and 2004. So, without wasting the time, I would like to start the video. But before starting the video, I would like to say that till now, if you did not subscribe my channel, please like and subscribe my channel. And share to those students who are going to prepare for UGC NET English Literature or other exams. So, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो है मार्गरेट हिल। एग्जैक्टली नेट एग्जाम में भी ये पूछा गया था। एक तरफ नॉवेल्स थी, एक तरफ कैरेक्टर्स थे, उसमें नॉर्थ एंड साउथ का कैरेक्टर भी पूछा गया था, जिसका मेन प्रोटैगोनिस्ट होता है मार्गरेट हिल। इस नॉवेल में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से मार्गरेट हिल की जर्नी एक अच्छी सिटी से लंदन से स्टार्ट होती है, वापस अपने घर जाती है, और घर वापस आने पर फिर वो दोबारा से लंदन पहुंच जाती है। तो मार्गरेट हिल यहाँ पे अपनी आंटी आंट शॉ के साथ और अपनी कजिन एडिथ के साथ लंदन में रह रही होती है। यहाँ पे इसको लंदन में रहते हुए 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एडिथ जो कि इसकी कजिन होती है और ये इसकी आंट शॉ होती हैं। अब ये कंटिन्यू रह रही होती है जब तक कि एडिथ की मैरिज नहीं हो जाती है। एडिथ की मैरिज हो जाती है कैप्टन लिनॉक्स से। तो जब इसकी मैरिज हो जाती है तो अब ये सोचती है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना। तो ये अपने घर वापस आ जाती है जो कि होता है नदन मिल्टन में। मिल्टन एक जो कि छोटा सा विलेज होता है वहाँ पे ये वापस आ जाती है और अपने फादर और मदर के साथ रहने लगती है। लेकिन यहाँ की जो लाइफ होती है वो लंदन की लाइफ से टोटली डिफरेंट होती है। अब ये वापस आ चुकी है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसके जो फादर थे जो कि चर्च में थे, यहाँ से ये जॉब छोड़ चुके हैं और वहाँ का रेक्टरी भी छोड़ चुके हैं। अब इन लोगों के पास प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। इनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इनके फादर मिस्टर हेल क्या करते हैं कि एज अ ट्यूटर जॉब करने लगते हैं। और ट्यूटर जॉब करने के बाद इनका जो पपेट होता है जिसका भी नाम होता है यहाँ पे जॉन थॉर्टन से ये मिलते हैं और ये इनका स्टूडेंट होता है। और ये एक मिल का, एक बहुत अच्छी मिल का ओनर भी होता है, काफी रिच पर्सन होता है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपना जो घर था उसको छोड़ के ये लोग रैक्टरी छोड़ चुके थे, तो अब ये लोग मिल्टन की जगह होती है वहां पे ये लोग रहने लगते हैं। वहां पे रहने के बाद एक दिन क्या होता है कि मिसेस हेल की, मतलब एल्सा बेथ गास्केल की इस नॉवेल में मार्गरेट हेल की जो मदर होती है मिसेस हेल, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पे ये सोचती है मार्गरेट कि मैं जाऊं और क्या करना, एक वाटर बैड एक बोरो करने के लिए कहाँ जाती है, जॉन थॉर्नटन के पास जाती है। जॉन थॉर्नटन के पास जाती है तो वो क्या देखती है कि उस टाइम पे उसकी मिल पे लोगों ने, उसके लेबर ने स्ट्राइक कर दी है। उस स्ट्राइक की वजह से ये जो जॉन थॉर्नटन होता है ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये जो स्ट्राइक हुई थी वो स्ट्राइक इसलिए हुई थी कि यहाँ पे जो जॉन थॉर्नटन है वो अपने लोगों को निकाल कर कुछ आयरिश लेबर्स को अपने यहाँ रिक्रूटमेंट दे रहा था, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक हो जाती है। अब जब यहाँ पे मार्गरेट जाती है तो वो देखती है कि लेबर्स ने जॉन थॉर्नटन की बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके कंपाउंड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मार्गरेट ये सोचती है कि कहीं बहुत ही ज्यादा झगड़ा ना हो जाए और कहीं खून खराबा ना हो जाए, तो वापस जॉन थॉर्नटन के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां पे खुद ही जाए और क्या करे, उसको अपने सोल्जर्स को वहां पे ना भेजे। तो ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे जो
जॉन थॉर्टन होता है ये इस चीज को समझ जाता है मार्गरेट की, और वो खुद भी वहां पे जाता है जहाँ पे स्ट्राइक चल रही होती है। ये देख के यहाँ पे मार्गरेट को बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे जॉन थॉर्टन को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इसकी जो मार्गरेट की मदर मिसेस हेल थी वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती हैं, तो वो बोलती हैं मार्गरेट को कि तुम ऐसा करो अपने भाई फ्रेडरिक को बुलवा लो। यहाँ पे जो फ्रेडरिक है ये यहाँ पे किसका, मार्गरेट का भाई होता है। अब यहाँ पे फ्रेडरिक जो है वो एग्जैक्टली एक्साइल में रह रहा होता है क्योंकि उसका नाम ना नवल म्यूटनी पे एक्सपोज किया गया था, जिसकी वजह से वो एक्साइल में रह रहा होता है। एनी हाउ फ्रेडरिक यहाँ पे आता है, अपनी मदर से मिलता है जब उसकी मदर डेथ बेड पे होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेडरिक का बहुत ज्यादा टाइम तक रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो मार्गरेट फ्रेडरिक को छोड़ने रेलवे स्टेशन पे जाती है उसको लास्ट गुड बाय बोलने, तो वहां पे ये क्या देखती है कि जो मार्गरेट और फ्रेडरिक है इनको वहां पे देख लेता है जॉन थॉर्नटन। तो जॉन थॉर्नटन को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद ये जो फ्रेडरिक और मार्गरेट है ये क्या है, एक दूसरे के लवर हैं। इसको इस चीज का कंफ्यूजन हो जाता है। उसी टाइम पे फ्रेडरिक को मिलता है लियोनार्स, लियोनार्स जो कि इसका शिपमेट होता है। लियोनार्स से इसकी फ्रेडरिक का आर्गुमेंट हो जाता है, तो फ्रेडरिक क्या करता है कि लियोनार्स को पुश कर देता है, धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लियोनार्स इंजर्ड हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे फ्रेडरिक वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस आती है तो इससे पूछती है मार्गरेट से कि बताओ ये सब चीजें कैसे हुई, क्या तुम वहां पे थी। तो ये यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्गरेट झूठ बोल देती है कि नहीं मुझे उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज जॉन थॉर्नटन जानता था क्योंकि उसने रेलवे स्टेशन पे फ्रेडरिक को और मार्गरेट को देखा हुआ था साथ में, तो वो ये चीज समझता है बहुत अच्छे से। लेकिन उसको मार्गरेट से एग्जैक्टली प्यार हो चुका था, तो वो क्या करता है, वो जज से मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट के बाद उस केस को हमेशा के लिए क्लोज करा देता है जिससे मार्गरेट वहां पे प्रोटेक्ट हो जाए। अब यहाँ तो मार्गरेट प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके पहले एक बार जॉन थॉर्नटन मार्गरेट को ऑलरेडी शादी के लिए प्रपोज कर चुका था, लेकिन यहाँ पे मार्गरेट ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे इसको ऐसा लगता था कि ये जॉन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा हॉटी इंसान है, बहुत ही ज्यादा प्राउड इंसान है। अब जब यहाँ पे फ्रेडी वापस चला गया है तो अब यहाँ पे जो निकोलस हिगिन्स है ये इसका जो होता है ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एक लेबर क्लास होता है, तो यहाँ पे जॉन थॉर्नटन इसको क्या कर लेता है, हायर कर लेता है निकोलस हिगिन्स को। निकोलस हिगिन्स की यहाँ पे डॉटर होती है बेसी। इसकी डॉटर और मार्गरेट की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन यहाँ पे बेसी की डेथ हो चुकी है क्योंकि जिस मिल पे जॉन थॉर्नटन की जो मिल होती है वहां पे जो वर्क होता है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग का वर्क होता है, और वहां पे जो बेसी होती है उसको कॉटन डस्ट की वजह से उसकी वहां पे डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्गरेट को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। अब मार्गरेट के फादर मिस्टर हेल ये सोचते हैं कि चलो हम अपने फ्रेंड से मिलके आते हैं। उनके फ्रेंड मिस्टर बैल जो कि कहाँ से हैं, ये ऑक्सफोर्ड से हैं, तो ये लोग यहाँ पे मिस्टर हेल अपनी डॉटर मार्गरेट को लेके मिलने जाते हैं मिस्टर बैल से। मिस्टर बैल जो कि यहाँ पे जॉन थॉर्नटन के लैंड के ओनर भी होते हैं और बहुत ही रिच पर्सन होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर बैल जाते हैं, मिस्टर बैल के यहाँ मार्गरेट जाती है और उसके फादर जाते हैं, और वहीं पे क्या होता है कि मिस्टर हेल की मतलब मार्गरेट के फादर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मार्गरेट फिर से जाती है और अपनी आंट शॉ के पास रहने लगती है जिनके साथ वो स्टार्टिंग से ही रह रही होती है। अब यहाँ पे मार्गरेट को ये लगता है कि किसी तरीके
से जो जॉन थॉर्नटन है उसको कोई ये बता दे कि मेरे और फ्रेडरिक के बीच में कोई लव रिलेशन नहीं है, जबकि वो मेरा रियल ब्रदर है, लेकिन ये चीज उसको कौन बताए? तो मार्गरेट हेल मिस्टर बैल को बोलती है कि आप ये जॉन थॉर्नटन को चीज क्लियर कर दें, लेकिन जब तक वो इस चीज को क्लियर करते हैं तब तक क्या हो चुका है, मिस्टर बेल की डेथ हो जाती है। अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बताना। तो अब जो जॉन थॉर्नटन की सारी प्रॉपर्टी थी, मिल्स थी, और ये सब किसके पास चली गई? मार्गरेट के पास। कैसे चली गई? क्योंकि जो मिस्टर बेल की डेथ हुई, मिस्टर बेल ने वो सारी प्रॉपर्टी, सारा इनहेरिटेंस किसके नाम कर दिया था? मार्गरेट के नाम कर दिया था। अब यहाँ पे मार्गरेट एक बहुत ही रिच लड़की बन जाती है। यहाँ पे जॉन थॉर्नटन का जो बिजनेस होता है पूरी तरीके से लेबर्स की स्ट्राइक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक दिन यहाँ पे निकोलस हिगिंस इसको बताता है कि फ्रेडरिक मार्गरेट का ब्रदर था, मार्गरेट का लवर नहीं था, ये चीज इसको पता चल जाती है। तो जॉन थॉर्नटन एक दिन बिजनेस पर्पस से लंदन जाता है, तो लंदन पे वो किससे मिलता है? मार्गरेट से मिलता है। मार्गरेट को पता चलता है कि एग्जैक्टली इसकी कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, ये फाइनेंशियली कितना परेशान है, इसका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो अब ये क्या करती है, ये जॉन थॉर्नटन को कहती है कि तुम मुझसे मनी एज अ लोन ले लो अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे जॉन थॉर्नटन को लगता है कि जो मेरे लिए पहले मार्गरेट की फीलिंग थी अब वो चेंज हो चुकी है। तो अब ये यहाँ पे दोबारा जॉन थॉर्नटन इसको क्या करता है, प्रपोज करता है शादी के लिए, और यहाँ पे मार्गरेट इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों इन लोगों एक दूसरे को इम्प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये नॉवेल खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो कैप्टन लिनॉक्स था ये इसका हस्बैंड होता है एडिथ का, और इसका भाई हेनरी। जब एडिथ की शादी कैप्टन लिनॉक्स से हुई थी तब इसके भाई हेनरी ने भी एक बार मार्गरेट हिल को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन यहाँ पे मार्गरेट ने शादी के लिए मना कर दिया था। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये कैरेक्टर्स और ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको ये समराइज कर देती हूँ। मार्गरेट हिल जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट होती है, ये अपनी कजिन एडिथ के साथ रहती है और अपनी आंट शॉ के साथ रहती है। एडिथ के हस्बैंड का नाम होता है कैप्टन लिनॉक्स और हेनरी कैप्टन लिनॉक्स का ब्रदर होता है जो कि मार्गरेट हिल को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। मिस्टर बेल जो कि मार्गरेट के फादर के एक ओल्ड फ्रेंड होते हैं और ये ऑक्सफर्ड से बिलोंग करते हैं। जॉन थॉर्नटन यहाँ पे जो मिल का ओनर होता है और मार्गरेट के फादर का पपिल भी होता है। जॉन थॉर्नटन और मार्गरेट को एक दूसरे से लव हो जाता है। नॉवेल के लास्ट में जो निकोलस हिगिंस होता है, जॉन थॉर्नटन अपने आप उसको हायर कर लेता है। निकोलस हिगिंस की बेटी होती है बेसी, जिसकी डेथ हो गई है कॉटन डस्ट के इंफेक्शन की वजह से, जो कि इंफेक्शन लंग्स में फैल जाता है। और ये जो फ्रेडरिक है ये मार्गरेट का भाई होता है। ल्यूनार्स फ्रेडरिक का शिपमेट होता है, जो फ्रेडरिक जिसको धक्का दे देता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।